Good morning, students and parents. Hope you all are well. Today we will do revision in Hindi. Okay? आज हम हिंदी की बुक में revision करेंगे. This is the first part. Now in next slide, यहाँ पे एक व्यंजन है जो हम च से शुरू करेंगे. यहाँ पे च है जो आपकी बुक में पेज नंबर 34 के ऊपर है. च से चांद, च से चश्मा, च से चूहा, च से चप्पल, च से चम्मच. Okay, students, so you will read these words and do practice of writing of these letters. Okay, आप ये letter को लिखने की practice करोगे. Okay, students, now in next slide, यहाँ पे व्यंजन छ है. Okay, यह आपकी book में page number 35 के ऊपर है. यहाँ इससे शुरू होने वाले शब्द में छ से छतरी, छ से छड़ी, छ से छिलका, छ से छिपकली, छ से छलनी. Okay, students. Now, in next slide, here there is a letter J. यह एक व्यंजन है. Okay, ये पेज नंबर 36 के ऊपर है. J से जग, J से जूते, J से जंगल, J से जहाज, J से जिराफ. Okay, students. Now, in next slide, Z. यह आपकी बुक में पेज नंबर 37 के ऊपर है. Z से झरना, Z से झूला, ज से झाड़ू, ज से झोपड़ी, ज से झंडा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, यह देयर इज अ लेटर ञ. ओके, ये 38 के ऊपर है. ओके स्टूडेंट्स, यू डू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑफ दिस लेटर. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, चित्र को सही अक्षर से मिलाओ. यह एक एक्टिविटी है. ये पेज नंबर 39 के ऊपर है. छ से छतरी. ओके, चम्मच है तो च से चम्मच. यहाँ पे झूला है. ओके, यहाँ पे बॉय झूल रहे हैं, दैट इज झ से झूला और ज से जूता. ओके, चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ. यहाँ पे छड़ी है तो छ जो है उसके ऊपर सर्कल करना है. उसके नीचे है चूहा, च से चूहा तो छ के ऊपर सर्कल करना है. यहाँ पे जग है, ज से जग, जग के ऊपर सर्कल करना है. ज से झंडा, तो यहाँ पे जो ज है फर्स्ट वाला उसके ऊपर सर्कल करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ राइम तितली रानी. यह आपकी बुक में पेज नंबर 40 के ऊपर है. उसको आपको गा के लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, तितली रानी, तितली रानी, पंख कहाँ से लाई हो, रंगों की तुम शहजादी हो, दूर देश से आई हो, रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, सबको लगते प्यारे प्यारे, इन पंखों पर तुम्हें बिठाओ, दूर गगन की सैर कराओ. ओके स्टूडेंट्स, सो यू लर्न दिस राइम. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे ट है. यह एक व्यंजन है. यह आपकी बुक में पेज नंबर 41 के ऊपर है. उसके रिलेटेड शब्द ट से टमाटर, ट से टप, ट से टहनी, ट से टोकरी, ट से टोपी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे ठ है. यह एक व्यंजन है. यह आपकी बुक में पेज नंबर 42 के ऊपर है. ठ से ठहरो, ठ से ठंडा, ठ से ठठेरा, ठ से ठोकर, ठ से ठेला. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज लेटर. यहाँ पे व्यंजन ढ है. यह पेज नंबर 44 के ऊपर है. ढ से ढोलक, ढ से ढाबा, ढ से ढक्कन, ढ से ढाल, ढ से ढोकला. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे व्यंजन अण है. यह पेज नंबर 45 के ऊपर है. अभी अण जो है वो शब्द में इस्तेमाल होता है, मगर यह इसी से शब्द शुरू नहीं होता है. ओके, यहाँ पे बा अण है, तो अण क्या है, पीछे है, जो रेड कलर से दिखाया है. उसके बाद है रावण, तो रावण में अण जो है वो रेड कलर से आपको दिखाया है, जो लास्ट में है. उसके बाद है हिरण, यहाँ पे हिरण में भी अण जो है वो लास्ट में है और वो आपको रेड कलर से दिखाया है. ओके, इसका अण का इस्तेमाल शब्द में होता है. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज वन एक्टिविटी.
दैट इज पेज नंबर 46। यहाँ पे चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाना है। यहाँ पे है ठेला, ठ से ठेला, तो ठ के ऊपर सर्कल आएगा। उसके बाद ढ से ढक्कन, तो ढ के ऊपर सर्कल आएगा। उसके बाद है टोपी, तो ट के ऊपर सर्कल आएगा। उसके बाद है डमरू, तो ड के ऊपर सर्कल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी चित्र को सही अक्षर से मिलाना है। पहला है टमाटर, टमाटर को ट से मिलाना है। उसके बाद है डफली, तो उसको ड से मिलाना है। उसके बाद है ढोलक, तो ढोलक को ढ से मिलाना है, जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद है ठ से ठठेरा, तो ठ ढ के बाजू में है, वो ठठेरे से मिलाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस एक्टिविटी। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे व्यंजन त है, जो आपकी पेज बुक में पेज नंबर 47 के ऊपर है। त से तबला, त से तराजू, त से तरबूज, त से तकिया, त से तोता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ लेटर थ। यहाँ पे व्यंजन है जो थ है, यह पेज नंबर 48 के ऊपर है। थ से थैला, थ से थानेदार, थ से थर्मस, थ से थाली, थ से थर्मामीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ लेटर द। यहाँ पे व्यंजन द है जो पेज नंबर 49 के ऊपर है। ओके, यह द से दरवाजा, द से दर्जी, द से दाढ़ी, द से दिया, द से दवात। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे व्यंजन ध है जो आपकी बुक में पेज नंबर 50 के ऊपर है। द से धन, द से धोबी, द से धनुष, द से धनिया, द से धागा। Okay students, so you do the practice of writing and reading. Okay, now in next slide, यहाँ पे है न, यह एक व्यंजन है, इसे न कहते हैं। यह पेज नंबर 51 के ऊपर है। न से नल, न से नदी, न से नाव, न से नारियल, न से नाई। Okay students, now in next slide, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आपके पेज नंबर 52 के ऊपर है। चित्र को देखकर सही अक्षर से मिलाओ। ओके, पहला क्या है, धनिया, तो उसको ध से मिलाना है। उसके बाद है दर्जी, तो द से मिलाना है। उसके बाद है तरबूज, तो उसे द से मिलाना है। उसके बाद है नदी, तो उसे न से मिलाना है। उसके बाद है थर्मामीटर, तो उसे हमें थ से मिलाना है। अभी इस साइड पे क्या है, पहले दरवाजा है, उसको द से मिलाना है। उसके बाद है धनुष, तो ध से मिलाना है। उसके बाद है नल, न से नल, तो न से मिलाना है। उसके बाद है तोता, तोते को त से मिलाना है। उसके बाद है थर्मस, थर्मस को थ से मिलाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे यू कैन डू दिस एक्टिविटी। Now in next slide, here there is an activity, पढ़ो और लिखो। यह पेज नंबर 53 के ऊपर है। Students, you do practice of writing of this letter, ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। जब भी आप लिखो, आप बोल बोल के लिखो कि आप क्या लिख रहे हो, ट लिख रहे हो, ठ लिख रहे हो, ड लिख रहे हो, ढ लिख रहे हो, जो भी लेटर आप लिख रहे हो, वो जो भी व्यंजन आप लिख रहे हो, वो बोल बोल के लिखना है। Okay students, now in next slide, क से न तक पूरा करो। यह पेज नंबर 54 के ऊपर है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। यहाँ पे ऐसे जो मिसिंग है वो आपको पूरे करने की हैबिट डालनी है। ओके, क के बाद क्या आता है, ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, न्य, न्य के बाद च, छ, उसके बाद ज, ज, न्य, ट के बाद ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, के बाद ध और न। ओके स्टूडेंट्स, सो यू डू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑफ दिस। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, शेरों की सीख, ये कहानी हमने सुनी थी। ओके, यह पेज नंबर 55 के ऊपर है। यहाँ पे एक दिन मिमी और टिमी और किमी की माँ खाना लेने बाहर गई हुई थी।
कुछ खाने के लिए लिए लेकर आती हूँ। अपना ध्यान रखना और किसी अनजान की बातों में मत आना, ऐसा बता के गए हैं मम्मा। ओके, भेड़ू भेड़िया ने बिल्ली को जाते हुए देखा और वह बच्चों के पास आया। बच्चों जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ झाड़ियों में फंस गई है, उन्हें बाहर निकालना है। बच्चे भेड़ू की बात सुनकर घबरा गए और उनके साथ चल पड़े। भेड़ू उन्हें एक अंधेरी गुफा में ले गए। बच्चे डर कर रोने लगे। माँ हमें यहाँ से ले जाओ, हमें डर लग रहा है। जब बिल्ली घर पहुंची तो तीनों बच्चों को न पाकर परेशान हो गई। अचानक उसकी नजर भेड़ू के पैरों के निशान पर पड़ी और वह सब कुछ समझ गई। लगता है भेड़ू मेरे बच्चों को लेके गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी बिल्ली झटपट राजा शेरू के पास मदद के लिए गई और उसे सारी बात बताई। राजा शेरू, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दीजिए, भेड़ू उन्हें ले गया है। तुम डरो मत, मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊंगा। शेरू ने गुफा में बाहर पहुंचकर भेड़ू को जोर से आवाज लगाई, मिम्मी टिम्मी और किम्मी को बाहर ले आओ भेड़ू, नहीं तो मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दूंगा। राजा शेरू, मुझे माफ कर दो, मैं कभी अभी उन्हें तीनों को लेकर आता हूँ। भेड़ू बच्चों को लेकर बाहर आ गया। माँ ने बच्चों को गले से लगाया और राजा शेरू को धन्यवाद दिया। बच्चों आज तुम बच गए, वादा करो कि आगे से कभी किसी अनजान की बातों में नहीं आओगे। जो जी राजा शेरू, हम वादा करते हैं कि अब हम किसी अनजान की बातों में नहीं आएं, बातों में नहीं आएंगे। ओके, यह हमें इस कहानी से यह बोध मिलता है कि हमें किसी अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द थिंग, ये कहानी हमने सुनी थी। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्टे सेफ एट होम।